दोस्तों आज आप लोगों के सामने में है हुंडई अल्काट्राज़ नया वाला जो फेसलिफ्ट है, इसका फुल डिटेल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। चैनल में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं, प्राइस लिस्ट मेरा हाथ में। सो प्राइस हम आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। और ये ब्लैक कलर में आपको अल्काट्राज़ कैसे लग रहा है आप लोग बताइए। ये है सिग्नेचर 6 सीटर टॉप वेरियंट DCT में, मीन्स डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक में। सो अगर आप लोग 6 सीटर गाड़ी और बड़ा एक SUV देख रहे हैं फैमिली के लिए, तो ये आपके लिए हो सकता है। तो एक मेरा जो फॉलोवर्स है वो भी, उसका भी रिक्वेस्ट था ये वीडियो के लिए, तो हम वीडियो आप आज कंप्लीट आपको बना कर देगा। सबसे फर्स्ट इसका की कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखिए पहले जैसे आ रहा था वैसे ही आपको लॉक अनलॉक एंड इंजन स्टार्ट बूट का बटन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप गाड़ी देखिएगा तो यहाँ पर जो इंडिकेटर की प्लेसिंग और कुछ ऐसा, ये जो DRL आपको देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट का भी फुली कनेक्टेड DRL दे दिया गया है। ये चीज़ में चेंजेस मिलेगा अल्काट्राज़ में। यहाँ पे हुंडई का लोगो एंड कैमरा, उसके बाद 360 कैमरा दिया हुआ है। कैमरा है मीन्स आपका यहाँ पे एडास का फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, एडास लेवल 2 का फीचर्स। तो सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हेडलैम्प्स वो ये आपको LED में देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सेटअप चेंज किया गया है। फ्रंट सेंसर्स मिलेगा, स्किड प्लेट सिल्वर कलर में दे दिया गया है। तो फ्रंट सेंसर्स भी है, तो सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है गाड़ी। चलिए साइड प्रोफाइल से दिखाएगा, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया, कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगा। टायर साइज़ का अगर बात करें सबसे पहले, तो काफ़ी बड़ा टायर आपको डायमंड कट का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको टायर साइज़ 18 इंच के मिल रहा है, 215x55 18 इंच का आपको टायर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं आप, 210mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस। ORBM जो कि है बॉडी कलर में दिया हुआ है, जो कि ऑटो फोल्डेबल फंक्शन के साथ है। आप सामने आएगा तो भी खुद खोल जाएगा। यहाँ पे भी DRL नीचे की तरफ कैमरा का प्लेसिंग, यहाँ पे डोर हैंडल जो कि है डार्क क्रोम में आपको दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल है उसका जो डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, काफ़ी थोड़ा उठा हुआ है, इससे गाड़ी को और भी ज़्यादा ना स्पोर्टी लगता है और काफ़ी ज़्यादा बल्की भी लगेगा आपको, ऐसे फील होगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेगा तो रियर टायर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर एंड फ्रंट दोनों में डिस्क ब्रेक। तो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे फुली कनेक्टेड आपको टेल लैम्प देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए कुछ ऐसा LED में। एंड ये एरिया में आपको सिल्वर फिनिशिंग, हुंडई का लोगो, यहाँ पर वाइपर, डिफोगर, हाई स्टॉप टेल लैम्प वगैरह आपको मिल जाता है, सार्फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर टर्बो की बेजिंग, ये टर्बो में आता है। यहाँ पे सेंसर्स वगैरह दिया गया है, सेंसर्स आपको 4 सेंसर्स देखने को मिलेगा विथ रिफ्लेक्टर एंड स्किड प्लेट रियर का जो कि सिल्वर कलर में। तो चलिए हम लोग बूट स्पेस देखते हैं एक बार गाड़ी का। यहाँ पे सिग्नेचर की बेजिंग एंड बूट स्पेस कुछ ऐसा है, 6 सीटर कार है, 6 सीटर गाड़ी का हिसाब से 180 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर ये सीट अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो इसमें आपको 579 लीटर हो जाएगा, ये वाला सीट को अगर फोल्ड करता है तो। तो इंटीरियर कुछ ऐसा आ रहा है, अभी हम लोग इंटीरियर में भी जाएगा। और एक चीज़, लास्ट रो तक आपको स्पीकर देखने के लिए मिलेगा बोस का प्रीमियम वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बूट लैम्प्स मिल जाते हैं, हुक वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको टूल्स किट मिलेगा टायर, आपका टायर वगैरह खोलने के लिए लास्ट रो में। और स्पेयर व्हील्स तो अल्काट्राज़ का पहले जो प्लेस में रखा हुआ था ना, वही प्लेस में देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ। एग्जॉस्ट 2 है, दोनों ही आपका काम करते हैं। और चलिए हम लोग अभी इंटीरियर चलते हैं, इंटीरियर जाके भी देखेंगे। सबसे यहाँ पे डोर हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे आपको DCT का बेजिंग मिल जाता है, मीन्स डुअल क्लच ट्रांसमिशन। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है ये कार। और इंटीरियर कुछ ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फील होगा आपको। यहाँ पे कलर जो कि है ब्लैक एंड थोड़ा ब्राउन टाइप में दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर और एक चीज़, नया चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि है डोर मेमोरी आपको ये देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है। सीट मेमोरी ये देखिए आपका, यहाँ से अगर दबाएगा ना सीट, आप दो हिसाब में 1 और 2 हिसाब में एडजस्ट करके रख सकते हैं, मेमोरी के हिसाब से काम करिए, सीट मेमोरी है। एंड ऑल पावर विंडो स्विचेस, ऑटो फोल्डेबल ORBM का फंक्शन एंड यहाँ पे बोस का साउंड सिस्टम, वाटर बॉटल होल्डर। इंटीरियर अगर देखिएगा तो फुली लग्जरी, अगर आपको लग्जरी में एक SUV चाहिए तो आप इसमें आँख बंद करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट फुली लेदर के साथ मिलेगा, पॉकेट टाइप डिज़ाइन में, दोनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पे आपको 6 वे हाइट एडजस्टेबल सीट्स देखने के मिलेगा। और
कुछ ऐसा सीट है। तो अंदर का देखिए तो पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है। सो और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑयल स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और कुछ ऐसा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का ये चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले का सीट क्या होता था, थोड़ा अंदर ढसा जैसे लगता था, अभी का सीट में आप बैठ के ऐसा लगे जैसे स्कॉर्पियो वगैरह का में आप बैठा जैसे, क्योंकि ऊपर से आपको ज़्यादा ही विजिबिलिटी आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बोनेट यहाँ से आपको डायरेक्टली विजिबल होता है, मीन्स आपका चलाने का जो मज़ा ना और ज़्यादा आने वाला है। और यहाँ पे आपको फुली कनेक्टेड डिजिटल क्लस्टर एंड जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही देखने के लिए मिलता है। सो ये है डीसीटी वेरिएंट। डीसीटी में आपको मींस डुअल क्लास ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम स्टीयरिंग से शुरू करेगा। स्टीयरिंग व्हील आपका डी कट में विद यहाँ पे हुंडई का लोगो, पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। पैडल शिफ्टर दिया मींस आप थोड़ा गाड़ी को ऐसे मैनुअल टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्टी टाइप लाइक रेसिंग कार वगैरह है ना वैसे। और स्टीयरिंग व्हील को देखिए तो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक टिल्ट दोनों ही देखने के लिए मिलता है। सो हम लोग एक बार इसको ऑन करके देखता है। यहाँ पे ये देखिए डिजिटल क्लस्टर ना आपको फुल्ली डिजिटल में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है विजिबिलिटी, आप देख सकते हैं। इंडिकेटर अगर राइट देगा तो ये देखिए यहाँ पे एडास का आपको फीचर्स मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स मिल जाता है, जिसमें आपको एडास फीचर्स मिल जाता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है भर भर के। सेफ्टी में अगर हम लोग देखिएगा तो 6 एयरबैग्स, 360 कैमरा, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, फ्रंट सेंसर, सनरूफ, यहाँ पे आपको सेफ्टी में ये भी मिलेगा, ब्लूलिंक, हुंडई ब्लूलिंक जैसे कि आप सब लोग को पता ही है। तो सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी में। आगे पीछे दोनों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंच का है, जो कि UI काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड ब्लूटूथ जैसे वायरलेस फीचर्स सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे फुल्ली ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने से। ये यहाँ से आप बहुत चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा अपना हिसाब से। सो इसको हम फटाफट से यहाँ से आप ये देखिए ट्यून वगैरह मिला सकते हैं, मींस डुअल AC है आई थिंक। ये देखिए AC ऑन अप करेगा तो ये सब चीज़ टच में दे दिया, कंट्रोल बटन में नहीं है, अभी टच में है। ये सब चीज़ आप टच से आप कंट्रोल पूरा पूरी कर सकते हैं। ऑटो में अभी हम जैसे कि रखा है तो इसको ऑफ कहाँ से करते हैं वो चीज़ ऑफ यहाँ पे। ये देखिए ये फैन को आप जितना दबाएगा ना ये ऑफ हो जाएगा, माइनस। कुछ ऐसा है, ट्रैक मींस म्यूजिक को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, लाइक रेडियो, मीडिया, मैप वगैरह भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये सब चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का आउटलेट एंड USB सॉकेट और वायरलेस चार्जर का जो पैड आपको यहाँ पे मिलेगा। AC बेंच कुछ इस तरीका से देखने में दिया हुआ है। डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह कुछ रख पाएगा, जो कि आपका स्लिप नहीं होने के लिए दिया हुआ है। ये एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होगा डैशबोर्ड। और हुंडई का बिल्ड क्वालिटी तो जैसे कि आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख पाएगा। AC बैंड्स कुछ पियानो ब्लैक कलर में ऐसे टाइप में दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा आपको। एंड ग्लोव बॉक्स देखिएगा तो यहाँ पे कूल्ड ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, AC बैंड्स अंदर पे दिया गया है। ये एरिया में अगर हम दिखाएगा तो यहाँ पे ड्राइव मोड आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। सो आप स्नो मर्ड वगैरह में आप इजीली अपना गाड़ी को लेके चला सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, S मींस आपका ये मोड होगा, पैडल शिफ्टर आप यूज़ कर पाएगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन देखने के लिए मिलेगा, पार्किंग यहाँ पे वीडियो व्यू मोड, आपको हिल डाउन का कंट्रोल्स वगैरह दे दिए जिसे आप काफ़ी ज़्यादा डाउन में नाम रहे, तो ये ऑटो ब्रेक काम करेगा। वेंटिलेटेड सीट ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो इसका जो फैन है इसको भी आप एडजस्ट यहाँ से कर पाएगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट विथ नीचे में आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। सो अब यह इंजन का बात करें, ये टर्बो इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर का DCT। इसमें नॉर्मली आपका इसमें पावर जनरेट करके देगा आपको मैक्स पावर 113.98 BHP एट द रेट 4000 RPM एंड मैक्स टॉर्क 250 Nm का आपको निकाल के दे देगा। सो पावर में आपको कुछ भी कमी नहीं फील होगा। ऊपर की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे सनग्लास होल्डर एंड यहाँ पे रीडिंग लैंप्स जो कि वो आपको देखने के लिए मिलता है। सनरूफ, वही सनरूफ पैनोरामिक वाला काफ़ी बड़ा वाला सनरूफ मिलता है। अगर आपका बच्चा वगैरह है तो सनरूफ काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा। और रियर का जो सीट है ना, कैप्टन सीट कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, तो हम रियर में भी जाके आप लोगों को दिखाएगा क्या कितना स्पेस है।
तो पहले मैं सनरूफ बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा सनवाइजर का, यहाँ पे ड्राइवर साइड में देखिएगा तो टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए रियर के सीट में हम लोग चलते हैं। सो रियर सीट में जाने के लिए यहाँ से हम खोल लेगा, डोर खोलते ही सबसे पहले आपको सनसेट मिलता है जो कि आपको धूप से बचाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको डोर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जो कि लेदर का देखने के लिए मिलेगा। कैप्टन सीट है, अगर आपका घर में कोई भी है इजीली बैठ के आराम से कंफर्टली अपना जर्नी का मज़ा ले सकता है। सो और ये है लास्ट रो, ये सेकेंड रो है। सेकेंड रो में अगर हम लोग बैठेगा तो यहाँ पे विथ आर्मरेस्ट भी दे देगा, ये देखिए आर्मरेस्ट काफ़ी कम्फर्टली आप बैठ पाएगा। एंड इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है अगर आप देखेंगे तो। रियर एसी बैंड्स टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए एक जगह भी दे दिया है, मींस रियर में भी आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर का फीचर्स देखने के लिए मिलता है। मींस ये वायरलेस चार्जर, आई थिंक वायरलेस चार्जर ही है। यहाँ पे आपको ये देखिए बटन दिया हुआ है ना, मींस ये वायरलेस चार्जर का ही बटन है। सो एंड सबसे लास्ट रो है, यहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स टाइप सी का जो कि सॉकेट देखने के लिए मिलता है। हेड एडजस्टेबल जो कि हेड रेस्ट दोनों ही में मिलेगा। सबसे लास्ट रो में आपको थोड़ा लेग रूम का दिक्कत जरूर हो सकता है, लाइक छोटा बच्चा के लिए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड साइड में देखिए या तो रीडिंग लैंप्स, ग्रैब हैंडल। तो चलिए हम प्राइस का बात करेंगे। प्राइस स्टार्टिंग होता है 15,13,990 से बेस वेरिएंट, और उसका आपको ऑन रोड पड़ जाता है 15,59,104 रुपीज़। और इस वाला वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है टर्बो में, इसका प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा 21 लाख, आपको 21,61,299 एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है। ऑन रोड 22,35,133 देखने के लिए मिलेगा प्राइस। सो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल।